हेलो, मेरा फोन उठाते में मौत आती है तुम्हें, लेकिन अब दूसरे का नंबर समझकर एक बेल पे फोन उठा लिया मेरा। क्या मुसीबत है भाई। खबरदार हो तुमने मुझे भाई का रिस्पांस। और आज क्या हरकत की है मेरी फैमिली के साथ तुमने? हाँ नहीं, अब कौन है हम? भिखारी है, फुटपाथी है, कौन है हम? मुझे एक साफ साफ बात बता दो रिस्पांस, कौन पीछे पड़ा था शादी के लिए, तुम या मैं? जवाब दो, ऐसे गूंगे की तरह खामोश मत रहो रिजवान। रिजवान, रिजवान, अस्सलाम वालेकुम। मुझे रिजवान से बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे से बहुत जरूरी बात करनी है। रिज, उठो रिज। कहाँ हो जाओ यहाँ से भाई, क्या गंदी आदत है तुम्हारी चिपकने की, चिपको। शादी की है, समझो इस बात को। पीछे तो तुम पड़े थे ना रिस, फिर क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? किसी फालतू चीज की तरह मुझे कहीं पर ढक कर तुम चैन से सो रहे थे, यहाँ पर हूँ मैं कब से जाग रही हूँ, पता नहीं कब से। ये क्या नौटंकी लगा रखी है हुँ? शरीफ लड़कियां आधी रात को यूं दंदनाती हुई नहीं आ जाती? शादी की है मैंने, ये मेरा घर है। अरे, और अपने घर में आने जाने के लिए सोचा नहीं जाता। तुम्हारा घर कहाँ से हो गया? जब तुम्हारा मियाँ कमा धमा के तुम्हें घर बना के देगा ना, तब अकड़ के कहना ये मेरा घर है। अभी तो ये मेरा घर है, इस चुगत का भी नहीं है जो तेरा मियाँ बना बैठा है। खुदा का वास्ता अम्मा, मेरे सर में पहले ही बहुत दर्द हो रहा है। एक बला क्या कम थी जो आप भी नाजिल हो गई है? मैं तेरे मुंह पे तो चांटे रसीद करूंगी अगर तूने इस टोन में मुझसे अपनी बीवी के सामने बात की तो। क्यों चांटे लगाएंगी? हाँ, मेरा मुंह क्या फालतू का आया हुआ है? अभी इतनी जोर से चांटा मारा है। अजीब गुंडा कर दी औरतों की। कम से कम इस घर में तो औरतें मर्दों पे चढ़ के अपनी बर्तरी का झंडा लहरा रही हैं। तुझे शर्म ना आई मेरे मासूम बच्चे के फूल जैसे गालों पर चांटे रसीद करते हुए? और ऊपर से इतने अजीब जाहिल मर्दों वाले सख्त हाथ हैं इसके। जिंदगी में आज तक आपके अलावा मुझे किसी ने हाथ नहीं लगा, और टीचर्स भी मुझे नहीं मारती थी, कहती थी इतना प्यारा बच्चा मारने का दिल ही नहीं करता। तुम तो ब्यूटी क्वीन हो ना, बस उठते बैठते अपनी खूबसूरती की पब्लिसिटी करते रहते हो। मेरे बेटे को ब्यूटी क्वीन मत कहना, माशाल्लाह से पूरा मर्द है। खबरदार, किसी औरत से तशबीह देने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसी माएं जब औरत होने को गाली समझेंगी ना, तो आपकी आल औलाद तो समझेगी उन्हें पैर की जूती। असल तरबियत माँ की होती है। ए, ज़बान संभाल के मेरी तरबियत पर बिल्कुल बात मत करना, वरना मैं तुम्हारी माँ की बदमाशियों और आवारगियों की पोटली खोल कर बैठ जाऊंगी। मुँह ना खुलवाओ मेरा। मुझे लगता है मेरा बीपी बहुत हाई हो गया है, इसी वजह से पता नहीं क्या कुछ बोल गई हूँ मैं। ऊपर से तुमने आके मुझे कच्ची नींद से भी उठा दिया। अब कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसे। जहाँ दो बर्तन हो वो आपस में कड़कते ही हैं, और सास बहू का झगड़ा तो बिल्कुल नॉर्मल बात है ना? इस बात को संजीदा मत लेना। और सही कह रही हो तुम, ये तुम्हारा घर है, तो तुम्हारी मर्जी है, जब चाहो आओ, जब चाहो जाओ, है ना? चला आ मेरे गले लग जा। भागी कसम अम्मा, आपका और मुल्क के हालात का कोई एतबार नहीं। मेरी बच्ची,